hello everyone welcome to the channel and today we are going to talk about a very beautiful topic related to law of attraction and the topic is uh, we are going to talk about words and how each word that we speak has so much power so

तो मैं आज उन्हीं उसी उन्हीं एक साइंटिस्ट के यू नो साइंटिफिक नॉलेज के तहत आपको बताने जा रही हूँ कि यस वर्ड्स पावर हम लोग जो मंदिर में पूजा होती है और जो प्रसाद हम लोग को मिलता है वो प्रसाद प्रसाद क्यों होता है क्योंकि उनके ऊपर मंत्र उच्चारण किए होते हैं उनके ऊपर प्रेयर्स पढ़े गए होते हैं इसीलिए दैट इज सो सो मच यू नो पावरफुल इसीलिए इसी तरह सारे वर्ड्स जो यूनिवर्स में है चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो हर वर्ड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है ओके okay? सो so, मैं यहाँ पे एक आपको एक नॉलेज बताने जा रही हूँ एक साइंटिफिक साइंटिस्ट uh, के बारे में जिनका नाम था मसारू इमोटो मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगी भी डॉक्टर मसारू इमोटो जापानीज साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया वो सबको बताना चाहते थे कि हाउ जो एवरी वर्ड्स जो जो भी वर्ड हम बोलते हैं जो भी वर्ड हम लिखते हैं सब में बहुत ज्यादा पावर है ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट ईच वर्ड हैव इट्स ओन फ्रीक्वेंसी ओके तो इसीलिए उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट uh, किया एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या कि एक कुछ नदियों का पानी लिया और पानी को एक कंटेनर में अलग अलग कंटेनर में दस कंटेनर में रखा ओके okay? जैसे छोटे छोटे ग्लासेस में रखा और सब ग्लासेस में लेबल किया सबका अलग अलग नाम किया जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक ग्लास में पानी डाला और उसमें लिखा लव दूसरे ग्लास में पानी डाला उसमें लिखा हेड तीसरे ग्लास में पानी डाला उसमें लिखा थैंक यू चौथे ग्लास में पानी डाला उसमें लिखा आई विल किल यू इस तरह करके पॉजिटिव वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नेगेटिव स्टेटमेंट देन पॉजिटिव प्रेयर्स ऑफर किए कुछ पानियों में और उसके बाद क्या किया गया सब करने के बाद उन सारे पानी को फ्रीजर में डाल दिया गया ओके फ्रीजर में डाल देने से फ्रीज में नहीं फ्रीजर में जिसमें वो जम जाए सब जब वो पानी जम गया जब वो पानी पूरी तरह से जम गया तो उसको निकाला गया और उसे माइक्रोस्कोप में देखा गया अब कितने लोग जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में जब हम चीजों को देखते हैं तो वो हजार गुना मैग्निफाई होकर दिखती है राइट तो जब उन उस आइस के टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पाया गया कि हर आइस क्यूब की दूसरी आइस क्यूब से फॉर्मेशन बिल्कुल अलग थी अब ये सुनने में तो अजीब लगता है क्योंकि पानी तो सब देखने में सेम होता है लेकिन उसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सबका सेम ही होगा लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है आइस का जो फॉर्मेशन माइक्रोस्कोप से जो देखा गया था वो बिल्कुल बदल गया मैं आपको शो करना चाहती हूं कि कैसे उनका बिल्कुल ही बदल गया फॉर्मेशन लेट मी शो यू डॉक्टर मसारू इमोटो यस ये देखिए इमेजेस yes, में जाते हैं एंड देखिए ये देखिए थैंक यू थैंक यू का जो आइस का जो फॉर्मुलेशन था वो कितना ब्यूटीफुल सा हो गया कितना सुंदर एंजेलिक टाइप का दिख रहा है थैंक यू विजडम ट्रूथ ट्रूथ का कितना सुंदर फ्लावर्स है एंजल ये देखो हेलो जैसा है कितना ब्यूटीफुल आई लव यू पीस Eternal, कितना सुंदर फॉर्मेशन बना उन सारे आइस का जो जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए थे और कुछ नेगेटिव वर्ड्स क्या देखिए यहाँ देखिए ये यह क्या लिखा है पोल्यूटेड वाटर आफ्टर प्रेयर जब प्रेयर के बाद वही पोल्यूटेड वाटर को जब प्रेयर ऑफर किया गया तो देखिए क्या हुआ यू फूल ये देखिए कितना नेगेटिव वर्ड्स है ऐसे ही उन्होंने जितने भी Let me show you this one. Disgusting. ऐसा बना जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स लिखे सब पॉजिटिव वर्ड्स का फॉर्मेशन इतना ही ब्यूटिफुल सा था और जितने भी नेगेटिव वर्ड्स लिखे सबका फॉर्मेशन एकदम ही चेंज था बिल्कुल चेंज था तो इससे ये उन्होंने प्रूफ किया कि कैसे जो जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं कैसे हम जो भी वर्ड्स नॉर्मल टाइम में यूज करते हैं उनके पास उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है इसीलिए लोग पहले के लोग क्या करते थे कि सोच के बोलो सही शब्द बोलो हम कभी गलत नहीं बोलना चाहिए क्यों क्योंकि हर वर्ड्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है हर वर्ड्स की एक वाइब्रेशन होती है और जब आप मैंने आपको पहले भी बताया ना जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करते हैं जब आप अपनी एक फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल पे लेके जाते हैं तो क्या होता है अट्रैक्शन होता है एंड यू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स जब आपकी आप फ्रीक्वेंसी अप रखते हैं हैप्पी रखते हैं तो हैप्पी चीजें आती हैं आपकी लाइफ में इसीलिए वर्ड्स हैव सो मच ऑफ पावर मैं आप सबको एक एक्सपेरिमेंट देना चाहूंगी आफ्टर शेयरिंग दिस भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आप सबको एक एक्सपेरिमेंट देना चाहूंगी जो मैं चाहती हूँ कि आप करके देखिए क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने पर्सनली किया है यस yes, मैंने किया है और मैंने डिफरेंस पाया कि कितना ज्यादा डिफरेंस होता है फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट ये है कि आज आपको जाना है और एक ग्लास लेना है शीशे का ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए स्टील का ग्लास नहीं ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए लीजिए दो ग्लासेस लीजिए ट्रांसपेरेंट जो एकदम क्लियर वाटर को शो करते हैं ओके okay? और दोनों में हाफ ऑफ ग्लास पानी भर लीजिए दोनों में भर लीजिए और एक ग्लास में लेबल कीजिए लव और एक ग्लास में लेबल कीजिए हेट ओके okay? दो वर्ड है सिंपल वर्ड है एक में बोल भी सकते हैं आप आई लव यू और दूसरे में आप बोल सकते हैं आई हेट यू ओके ये बोल के आपको एक लेबल कर देना या फिर सिंपली लिख दीजिए उस ग्लास के ऊपर लव और हेट ओके और दोनों को फ्रीजर में डाल दीजिए फ्रीज में मत डालिएगा फ्रीजर में जिसमें वो जम जाए अगले दिन सुबह को जब आप उठिएगा और आप उसे देखिएगा तो आप खुद डिफरेंस लगा पाइएगा कि कौन लव का ग्लास है कौन हेट का ग्लास है मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि क्या हुआ था जब मैंने किया था तो मैंने जब ऐसा किया था तो मेरा जो हेट वाला आइस जो था वो पूरी तरह से क्रैक हो गया था मैंने जब ये किया था तो वो आइस पूरा क्रैक हो गया था और लव वाला एकदम क्लियर सा बहुत ब्यूटीफुल एकदम क्लियर आइस क्यूब बना था मतलब आइस का आइस बना था और जब मेरी एक फ्रेंड ने सेम एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या हुआ था उसके साथ कि उसका तो ग्लास ही टूट गया था हेट वाला ग्लास ही टूट गया था मैंने मैं सिर्फ आइस के बारे में नहीं बोल रही हूँ ग्लास कंप्लीट पूरी तरह से ग्लास ही टूट गया था तो मैं चाहती हूँ कि आप ये करें एक्सपेरिमेंट ताकि आप देख सके कि कैसे हमारे हमारी बॉडी चीज़ से बनी है सेवेंटी परसेंट वाटर से बनी है इसीलिए जब भी हम अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो वो स्टेटमेंट हमें लगता है लोग कहते हैं ना नेगेटिव मत बोलो कहीं लग ना जाए वो लगता है क्यों लगता है क्योंकि हमारी बॉडी सेवेंटी परसेंट वाटर है और जब वाटर होल्ड करता है इतनी ह्यूज मेमोरी पॉजिटिव बोलने पर पॉजिटिव वर्ड्स वो से वो उसका फॉर्मेशन बदल सकता है तो सोचिए आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है दोस्तों इसीलिए आज के बाद आई वांट यू ऑल टू टेक अ ओ विथ योरसेल्फ कि आज से आप सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे और कोशिश रखेंगे मोर एंड मोर सेल्फ टॉक जो आप इंगेज होते हैं उन सब में आप अपने आप को एक बेहतर और बेहतर इंसान बनाते जाएंगे इनफैक्ट आप अपने लिए एक ऐसा एफॉर्मेशन बोल सकते हैं सीख सकते हैं एंड दैट इज विच ईच सेकंड ऑफ माय लाइफ आई एम ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग ओके विथ ईच सेकेंड ऑफ माई लाइफ विथ ईच ब्रेथ आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर नाउ दिस इज द बेस्ट एफॉर्मेशन आई थिंक आई always say this with each second of my life with each second of my life i am getting better and better and better in every areas of my life all the areas of my life okay so this is the affirmation for today

आई एम क्लोजिंग द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय